जय हिंद दोस्तों, दोस्तों। एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं और उसमें जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है। इसमें जॉब होगी ड्राइवर, सिक्योरिटी स्टाफ एंड ग्राउंड स्टाफ जो लगेज चेकर का काम करते हैं। ये जॉब लोकेशन लखनऊ एयरपोर्ट की होगी, तो ध्यान रखें, लखनऊ एयरपोर्ट में अगर जॉब पाना चाहते हैं तो आपने बहुत ही अच्छा वीडियो देख रहे हैं। शुरुआत करें उससे पहले बता दें, हमारे चैनल में रोजगार से संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आगे भी जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। शुरुआत करते हैं, जो एयरपोर्ट की जॉब है उनके कांटेक्ट नंबर, हर चीज पूरी डिटेल इसमें मिलने वाली है। तो शुरू करेंगे, तो इसमें जो जॉब की जो है रिक्वायरमेंट, 10th पास, 12th पास, आईटीआई ग्रेजुएशन सबके लिए जॉब है। एज पर वैकेंसी कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से। अभी लगेज चेकर, जो लगेज चेकर की वैकेंसी है उसकी सैलरी रहेगी स्टार्टिंग 26,000 पर मंथ, और 10th पास होना जरूरी है। 10th की सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, आधार कार्ड भी मैंडेटरी जरूरी आवश्यकता जरूरी है, उसके आधार कार्ड भी होना चाहिए, 10th सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी पोस्ट है पासपोर्ट चेकर। पासपोर्ट चेकर स्टार्टिंग सैलरी 26,500 है और इसके लिए 12th पास मांगा गया है। इसके साथ में भी आधार कार्ड होना अनिवार्य है, जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आधार कार्ड जरूरी है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर की भी पोस्ट है, स्टार्टिंग सैलरी 27,500 है। इसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, ध्यान रखें। सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड में अंतर है, ये भी ध्यान रखें। इसके बाद सिक्योरिटी अफसर के लिए है, सिक्योरिटी अफसर में आ जाता है, जो सैलरी रहेगी सिक्योरिटी अफसर की 30,000 पर मंथ। इसके बाद ओनली फॉर लिखा है डिफेंस फोर्सेस, एक्स आर्मी के डिफेंस फोर्सेस ही अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। किसके लिए? सिक्योरिटी ऑफिसर के पोस्ट पे। इसमें डिस्चार्ज बुक होना कंपलसरी है, एक्स आर्मी डिस्चार्ज बुक, तो सबको पता है जो एक्स आर्मी डिस्चार्ज बुक है, डिस्चार्ज बुक होना जरूरी है, और एक्स आर्मी ही चाहिए, एक्स नेवी नहीं चाहिए, एक्स एयरफोर्स नहीं चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए सिर्फ एक्स आर्मी ही चाहिए। ड्राइवर के लिए 28,500 सैलरी है, लेकिन उसके साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, हैवी व्हीकल और लाइट व्हीकल का, तो ये ध्यान रखें। क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी, इसके लिए मैंडेटरी नहीं है, आप अप्लाई कर लें, सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। पोस्टिंग लोकेशन नियरेस्ट एयरपोर्ट पे, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हो सकती है आपकी। ड्यूटी रहेगी 8 आवर्स ड्यूटी, 6 डेज का ट्रेनिंग पीरियड होगा। कोई भी ट्रेड अप्लाई कर रहे हैं 6 डेज का ट्रेनिंग पीरियड होगा, मेल और फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखें। लगेज चेकर के लिए मेल हो चाहे फीमेल हो, सिक्योरिटी गार्ड के लिए, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखें। इसमें बाकी दिया हुआ है और सैलरी के साथ साथ क्या मिलेगा उसकी भी जानकारी देता हूँ। सैलरी के साथ, सैलरी का इसमें दिया है 35,000 और 60,000 के बीच में, लेकिन स्टार्टिंग 26,000 से होगी, ये भी ध्यान रखें। इसके बाद बेनिफिट है, पीएफ और ओवर टाइम का मिलता है इसमें, कोई अगर अदर स्किल है उसके लिए भी मिलेगा आपका बेनिफिट, और भी मेडिकल और कई फैसिलिटी हैं उसके भी बेनिफिट मिलेंगे, तो ये ध्यान रखें। मेडिकल से लेके कई तरह के रहने के सब सारे बेनिफिट इसमें मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इनका कॉन्टैक्ट नंबर और कैसे अप्लाई करना है, वो भी ध्यान रखें। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको इसमें मिलेगा, और अप्लाई करने के लिए गो टू moonstairindia.com में इधर क्लिक करना है। जैसे इधर क्लिक करोगे तो आपके पास एक ये लिंक खुल जाएगा। जैसे ये खुलेगा इसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है, क्या किस पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो आप अभी पीछे पढ़ चुके हो। इसके बाद अभी इसमें फॉर्म अप्लाई करना है, उससे पहले बता दें इनका जो इनकी मैम है उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये जॉब ऑल टाइम के लिए है, परमानेंट जॉब है, लेकिन 4 साल मिनिमम आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 4 साल मिनिमम, तो ध्यान रखें। ये मैम का कॉन्टैक्ट नंबर भी हम बता देते हैं, कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर है।
उनसे बात भी कर सकते हो आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले या फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी बात कर सकते हो। ये हैं मिस राधिका मैम है, इनसे बात कर सकते हैं आप। इनका व्हाट्सएप नंबर और ये नंबर है, दोनों में काम करता है इनका, तो इससे इनसे बात भी कर सकते हैं और फॉर्म कैसे अप्लाई करना वो भी बता देते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप इधर से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना, चूज फाइल करना है, एक आपको रिज्यूम अपना तैयार करना, आप क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी डिटेल एक एमएस वर्ड की फाइल में या पीडीएफ बना के, आप 6 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो पीडीएफ बना के पूरी डिटेल अपनी फादर नेम मदर नेम कहाँ के रहने वाले सारी डिटेल आपको रिज्यूम बना के इसमें अपलोड करनी है, अपना पूरी डिटेल। अलग से फॉर्म नहीं है, आपको अलग से एक पेज बना के और उसमें अपलोड कर देनी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेके आपको जो भी नॉलेज है वो चीज़। इसके बाद इधर फुल नेम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है जो वैलिड हो, पासवर्ड अपनी तरफ से बनाना है, मिनिमम 6 कैरेक्टर होना चाहिए ये ध्यान रखें। इसके बाद मोबाइल नंबर वैलिड देना है और करंट लोकेशन जहाँ पे आप हो इस समय वो लोकेशन देनी है। एक्सपीरियंस अगर कोई है तो एक्सपीरियंस लिख देना है, अगर कोई जॉब कर चुके हो तो उसका एक्सपीरियंस लिख सकते हो, कोई अदर स्किल है वो लिख सकते हो, कौन सा कोई अलग इसमें प्रेफर करना चाहते हो वो भी अलग से लिख सकते हो। इसमें जब आप ऐसे करोगे तो इसमें आ जाएगा क्या क्या आपका क्या आप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे, जब ये भर दोगे आप तो इसके बाद रजिस्टर एंड अप्लाई नाउ में क्लिक करोगे तो आप रजिस्टर हो जाओगे। रजिस्टर होते ही आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आप रजिस्टर हो चुके हो, और आपको इसके बाद मैसेज आते रहेंगे और आप इनसे कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो कि मैम ये खाली है जगह कि नहीं खाली है, तो वो तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे। तो रिज्यूम इसमें बनाना बहुत ज़रूरी है, रिज्यूम बना के अपना पूरा बायोडाटा इसमें अपलोड करना है सबसे पहले, बहुत ज़रूरी है। और इनसे कांटेक्ट करने के लिए ये नंबर भी दिया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें, किसी भी तरह के इसमें कोई पैसे वैसे का लेन देन नहीं है कि पैसा आपसे कोई ले रहा है या दे रहा है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है। फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है, फ्री में जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्री में जॉब आप ले सकते हैं, किसी तरह का पैसे का कांटेक्ट नहीं करना है किसी से, ध्यान रखें। तो ये था एयरपोर्ट में जॉब से रिलेटेड वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय।